स्टूडेंट्स वेलकम टू कोडर तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन जावा तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है वेरिएबल्स के बारे में कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेटा टाइप्स बताया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं डेटा टाइप पे और डेटा टाइप्स डिपेंड्स करते हैं वेरिएबल पे दोनों एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड होते हैं तो बच्चों आज हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन इट इज यूनिट ऑफ स्टोरेज इन जैसा कि कि मैं पर बता रहा टू द मेमोरी अब उसके लिए मान लो मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल लूंगा उस वेरिएबल का पर्टिकुलर नेम होगा और उसको आप मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं इट इज यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ

तो इसमें आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कब होना चाहिए उसका यूज करने से पहले और इसमें मैं आपको प्रोग्राम भी बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड बच्चों आपको दिख रहा है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा हमारे वेरिएबल के पास दो चीजें होती हैं एक टाइप होता है और वेरिएबल का नेम होता है फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल यहाँ पर देखते हैं कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए हमारा इंट एबीसीड्रेड तो यहां पर इंट हमारा होगा डेटा टाइप एबीसी होगा हमारा वेरिएबल नेम और हंड्रेड होगा हमारी वैल्यू। तो यहां पर डेटा टाइप टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल वेरिएबल गिवन टू वेरिएबल वैल्यू इट इज द इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल जो हमारी वैल्यू है इट इज द इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं दोस्तों तो यहां पर देखिए यहां पर मैंने क्या किया है इंट a equals टू टेन तो यहां पर इंट आपका क्या होगा डेटा टाइप ए क्या होगा वेरिएबल अब आपको पता होगा कि जो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू हो कहां पर स्टोर होती है रैम के अंदर और यहां पर जो आपकी टेन वैल्यू दिख रही है मेमोरी फॉर वेरिएबल किसके अंदर रैम के अंदर होगी अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने टाइप्स के वेरिएबल्स का यूज हम हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं तो बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा फर्स्ट लोकल वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल। सेकंड थर्ड स्टैटिक पर हम फिर बताना चाहेंगे कि जावा में हमारे तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं कौन कौन से लोकल वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनसे वेरिएबल पूछो तो डेटा टाइप बताते हैं डेटा टाइप पूछो तो वेरिएबल बताते हैं तो आपको याद रखना है लोकल इंस्टांस और स्टैटिक एल आई एस वी आप याद कर सकते हैं लिस लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो जो सबसे पहला हमारा वेरिएबल आने वाला है वो कौन सा वेरिएबल आने वाला है लोकल वेरिएबल अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक और मेथड और कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल बहुत ध्यान से समझना आपको पता है जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे जावा के प्रोग्राम के अंदर मेथड्स होते 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 हैं, होते हैं, होते हैं। कंस्ट्रक्टर ब्लॉक अब जो हमारा लोकल वेरिएबल होगा वो कहा स्टोर होगा अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन ब्लॉक मींस उस ब्लॉक के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के में भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं वेरिएबल को दीज वेरिएबल आर क्रिएटेड वेन द ब्लॉक इज इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉय आफ्टर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक और वेन द कॉल रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन जब तक आपका फंक्शन कॉल होगा ये आपका जो वेरिएबल होगा एग्जिस्टिंग में होगा और जैसे ही हमारा ये ब्लॉक या मेथड कॉल्लिंग बंद हो जाएगा वो वेरिएबल आपको वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली विद इन द ब्लॉक आप उसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो केवल उस ब्लॉक के अंदर होगा अगर आप ब्लॉक के आउटसाइड उसको यूज करेंगे तो आपको एरर दे देगा इन व्हिच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट ब्लॉक उस ब्लॉक उस मेथड उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम ये वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल इज मैंडेटरी यस अगर आप लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी ये मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा अभी अगर बात करें इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में तो इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड देखो हमारा लोकल कहां पे हो रहा था इनसाइड अ मेथड और हमारा इंस्टेंस वेरिएबल कहां डिक्लेअर हो रहा है इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बता देता हूँ एक प्रोग्राम पे जाके उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा अगर बात करूं मैं लोकल वेरिएबल के बारे में तो देखो ये हमारी क्लास है ए नाम के हमारी क्लास है अब इस क्लास के अंदर अभी इसको भूल जाओ इस क्लास के अंदर void जो हमारी है सॉरी void जो हमारी है वो क्या है मेथड है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया int n equals to 90 तो मैंने क्या बोला था कि लोकल वेरिएबल किसके अंदर डिक्लेयर करते हैं इनसाइड अ क्लास इनसाइड अ मेथड तो हमने यहाँ पर क्या किया जिस मेथड के अंदर हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है इसको हम क्या बोलेंगे लोकल वेरिएबल क्या बोलेंगे लोकल वेरिएबल अब यहाँ पर देखिए एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा कि इस लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होगा उस इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही होगा इसका स्कोप इस मेथड के आउटसाइड नहीं होगा अगर मान लो इस मेथड के बाहर जाकर मैं इस n की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूं तो आपको यहां पर एरर मिलने वाली है। उसके बाद में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बताया अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने यहां पर int डाटा इक्वल्स टू 50 ले लिया। तो यहां पर ये यह वाला वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हुआ क्या? बिल्कुल नहीं ये आपके कंफ्यूजन करने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर होगा आपका ये भी आपका लोकल वेरिएबल ही कहलाएगा क्या कहलाएगा लोकल वेरिएबल क्यों क्योंकि अ मैथड आपकी मेन मेथड भी क्या है एक है और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट डेटा इक्वल्स टू फिफ्टी तो वो आपका यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा तो ये आप वीडियो में देखकर याद रखना कंफ्यूज मत होना ये आपका लोकल वेरिएबल है क्योंकि लोकल वेरिएबल हमेशा आपको समझाने के लिए मैंने ये लोकल वहां पे इंस्टांस लिखा था क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ सको तो यहाँ पर आपका जो है मेथड के अंदर अगर कोई भी मेथड कोई भी ब्लॉक कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा तो उसके अंदर उस ब्लॉक के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल तो आई थिंक आप लोकल वेरिएबल समझ गए होंगे तो हम बैक स्लाइड पे चलते हैं तो हम बात कर रहे थे लोकल वेरिएबल तो आपने यहाँ पर देखा लोकल वेरिएबल के बारे में आप अच्छे से समझ गए अब हम बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल के बारे में तो इंस्टांस वेरिएबल आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब जो इंस्टांस वेरिएबल होगा स्टैटिक नहीं होगा क्योंकि देखो दोनों इंस्टांस और स्टैटिक किसके अंदर डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड द मेथड दोनों डिक्लेयर करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर हमारा कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम स्टैटिक कीवर्ड कहते हैं और आपका जो इंस्टांस वेरिएबल होगा उसके अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्टांस वेरिएबल आर नॉट स्टैटिक वेरिएबल एंड

तो आपको बता दूं इंस्टांस वेरिएबल को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं आपका जो इंस्टांस वेरिएबल बनेगा उसको आप विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं फिर मैं बोल रहा हूं इंस्टांस वेरिएबल को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल लाइक ऑब्जेक्ट अनलाइक लोकल वेरिएबल वी मे यूज

अगर आपने जैसे मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है इट मस्ट मतलब ये होना ही चाहिए अगर आप लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम में प्रोग्राम में एरर आ जाएगी लेकिन हाँ आपका जरूरी नहीं है कि इंस्टांस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो अगर आप इसका इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू देगा और वो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जीरो होगी उसके बाद में बात करें इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो कब हम कॉल कर सकते हैं बोलो इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर सकते हो कॉल कर सकते हो तो आई थिंक बच्चों आपको इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पिक्चर क्लियर हो गई होगी जब मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा तो उस समय भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूं अब हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के बारे में तो अब हमारा जो वेरिएबल आएगा वो आएगा स्टैटिक तो यहां पर जो स्टैटिक वेरिएबल है इज वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टैटिक वेरिएबल आर नोन एज क्लास वेरिएबल दीज वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली एज इंस्टांस वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया द डिफरेंस इज द स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड विद इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक आप सभी लोग जानते हैं स्टैटिक में इंस्टेंस में केवल डिफरेंस होता है इंस्टेंस वेरिएबल में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं और आपका जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं उसमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं इसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल वी कैन ओनली हैव वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल

पर्टिकुलर ब्लॉक कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर होगा और उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कब तक होता है जब तक हमारे ऑब्जेक्ट्स हम कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करते तो भी क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन एग्जीक्यूशन जैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हो जाएगा. ये बहुत है. Of अगर आपने लिया है तो उसका इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी लेगा वेरिएबल लाइक इंस्टेंस वेरिएबल through an object the computer will show warning message and it won't halt the program the compiler will replace the object name to class name automatically ye bahut important point hai yahan samjho if we access static variable like a instance variable matlab instance variable ko hum kis tarike se use karte the call karte the object ke through call karte the अगर हम यहां पर स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे द कंपाइलर विल शो द वार्निंग मैसेज एंड इट विल नॉट हॉल्ट द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को हॉल्ट नहीं करेगा द कंपाइलर विल रिप्लेस द ऑब्जेक्ट नेम टू क्लास नेम ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ वी एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल विदाउट द क्लास नेम कंपाइलर बेल ऑटोमेटिकली अपेंड द क्लास नेम आपको पता होगा कि हम जब कॉल करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं और जब हम कॉल करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसमें अपेंड कर देगा आपका क्लास का नेम और अगर नहीं कर रहे हैं अगर आपको करना है तो आप उसको क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं यहां पर भी यही हो रहा है कि अगर आपने उस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने क्या लिखा मान लो मेरी क्लास का नाम ए है तो मैंने किया ए और आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका नाम है इंट एबीसी uh, तो ए डॉट एबीसी में जब कॉल करूंगा तो ये प्रॉपर वे है और अगर आप वहां पे एबीसी कॉल करते हैं तो कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली क्या कर देगा उसको अपेंड कर देगा इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड देखो यहाँ पर आपका स्टैटिक वेरिएबल है इस स्टैटिक वेरिएबल को हम बोलेंगे m equals to 100. अब क्लास है आपको अगर स्टैटिक वेरिएबल समझना है तो आपका क्या आएगा यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड अगर आपको इंस्टांस वेरिएबल बनाना है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं स्टैटिक को रिमूव कर सकते हैं और आप स्टैटिक को रिमूव कर देंगे तो आपका इंस्टांस वेरिएबल बन जाएगा इसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल ये बहुत जरूरी डिफरेंस है अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल परसेस स्टैटिक वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल वेयर एज़ वी कैन हैव वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एस पर क्लास इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड change made in an instance variable using an object will not be reflected in other object as each object has its own copy of instance variable in case of static changes will be reflected in other object as static variable are common to all objects of class एग्जाम्पल तो इसके अंदर हमने स्टेटिक इंट ए लिया तो ये आपका स्टेटिक वेरिएबल बन गया और केवल इंट ए तो ये आपका इंस्टानस वेरियबल बन गया ये आप ध्यान से देख लें इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल्स तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स तो जैसे पहला प्रोग्राम मैंने आपको बताया था एक हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये आपका कौन सा वेरिएबल है बात बताओ आपके लिए क्वेश्चन है ये आपका इन अ मैथड मतलब लोकल वेरिएबल ये वाला जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर इंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी आपको क्या होना चाहिए इनिशियलाइजेशन इज मस्ट असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल तो हमने नंबर को टेन दे दिया ये हमने वैल्यू असाइन कर दी और इसके बाद में आप वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो मॉडिफाई वेरिएबल वैल्यू एंड असाइन इट अगेन मतलब आप इसको रीअसाइन कितने टाइम भी कर सकते हो लेकिन हाँ लोकल वेरिएबल मस्ट बी initialize मतलब आपको देना है और आपका स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज अगर नहीं होता है तो भी वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू देता है और वो आपकी वैल्यू होती है जीरो। तो दोस्तों आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा और आपके लिए आज एक सरप्राइज है सरप्राइज क्या है कि आज से जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके एंड में मैं आपको क्या देने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चन कि आपसे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आईटी टी कंपनी पूछ सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो इंटरव्यू क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जावा वेरिएबल्स देखते हैं कौन कौन से हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन है तो यहां पर जो आपको सबसे पहला जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वॉट इज द वेरिएबल जैसा हम पढ़ चुके हैं, आप पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका में जरूर एक का सभी बताएं कोई सभी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं कि सर आपका उसका आंसर के साथ वीडियो बनाओ तो डेफिनेटली मैं बनाने वाला हूँ आप बस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं तो वट इज वेरिएबल उसके बाद में आप आप बता बता सकते सकते हैं। हैं। उसके बाद how to assign a value to variable? आप ये भी बता सकते हैं। what is variable initialization? Variable का initialization क्या होता है? मेंसाइनमेंट असाइनमेंट और इनिशलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो आपको यहाँ पे आ गया आपका असाइनमेंट अलग होता है और इनिशलाइजेशन अलग होता है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कैन वी डिक्लेअर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल टुगेदर क्या हम वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक साथ कर सकते हैं तो ये आपको आंसर खुद देना है मैं नहीं बताऊंगा व्हाई इज स्पेसिफाइंग डेटा टाइप मैंडेटरी इन जावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर इन जावा आपको ये बताना है कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको मिल जाएगा हाउ कैन यू क्रिएट कॉन्स्टेंट इन जावा अगर आपको कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाना है तो आप जावा में कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैसे बनाएंगे तो वो भी आपको यहां पर बताना है वट आर द रूल्स फॉर नेमिंग कन्वेंशन नेमिंग कन्वेंशन या नेमिंग ऑफ जावा वेरिएबल्स तो आप बताएं कैसे आपको नेमिंग रखना है तो ये आपको मैं बता दूं हिंट के लिए पहला लेटर क्या होना चाहिए बोलो स्मॉल तो आप समझ जाएं कैसे हमको नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन रखना है आर सम कॉमन फॉर आप मुझे बता सकते हैं टाइप करके सर ऐसा रख सकते हैं ऐसा रख सकते हैं तो आप नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप बताइएगा उसके बाद में वेयर वेरिएबल हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों इसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा जिसको आप बोलेंगे जेवीएम JVM. JVM के अंदर जो हमारी सारी मेमोरी होती है वो असाइनमेंट होती है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है और और आपका इंस्टांस वेरिएबल कहाँ मेमोरी लेता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछते ही पूछते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद में जो लास्ट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा तो आपको वहां पर आंसर देना है कितने टाइप्स के वेरिएबल जावा में होते हैं इसका आपको आंसर करना है तो आपको सब मैं बता चुका हूं ध्यान से समझना है समझना है और आपको डेफिनेटली मुझे कमेंट्स एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर करके बताना है आप सभी से निवेदन है और उसके बाद आज का टॉपिक हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोगों से एक अनुरोध है सभी से कि मेरी चैनल पर लाखों लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूज लाखों में पहुंच गए हैं लेकिन अगर सौ लोग मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं तो उसमें से दस लोगों ने मात्र सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपका सहयोग चाहता हूँ आपका सपोर्ट चाहता हूँ मैं आपके लिए और भी आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाला हूँ तो आपसे बस मेरा ये है कि आप मेरा सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय जै भारत